स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर काफी डिबेट हो रही है। ये डिबेट पीएम मोदी के उस बयान के बाद और तेज हुई है जब उन्होंने कहा कि देश को इसकी जरूरत है। पीएम के इस स्टेटमेंट से कुछ दिन पहले ही 22nd लॉ कमीशन ने इस मसले पर लोगों की राय मांगी थी। आज के न्यूज एंड व्यूज में यूनिफॉर्म सिविल कोड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के साथ ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि किन ग्राउंड्स पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का मतलब ऐसे सेक्युलर सिविल लॉज के सेट से है जो कम्युनिटीज को उनके अपने रिलीजन, कास्ट या किसी ट्राइब के पर्सनल लॉज की जगह सबको यूनिफॉर्मली गवर्न करेगा। इसमें शादी, तलाक, गुजारा भत्ता, एडॉप्शन और उत्तराधिकार जैसे पर्सनल मसले आते हैं। यदि इसके प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो क्रिमिनल कोड तो पूरे भारत में इस समय सबके लिए यूनिफॉर्म और कंप्लीट तरीके से लागू है, यानी इंडियन पिनल कोड आईपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन सिविल कोड यूनिफॉर्म नहीं है। इसीलिए अलग अलग कम्युनिटीज़ अपने अपने लॉज से गवर्न होते हैं। मसलन अभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध हिंदू कोड ऑफ लॉज से गवर्न होते हैं, वहीं मुस्लिम शरिया बेस्ड अपने पर्सनल लॉज से गवर्न होते हैं, जबकि क्रिश्चियंस अपने स्पेसिफिक स्टेट्यूट्स वाले क्रिश्चियन लॉज से गवर्न होते हैं। बात यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की करें तो आर्टिकल 44 यूसीसी की बात करता है। इस आर्टिकल का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के फोर्थ पार्ट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। मौजूदा समय में सिर्फ गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दरअसल गोवा का ये सिविल कोड पोर्तुगीज लीगल सिस्टम का इंडियन एडिशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में इसकी प्रशंसा करते हुए यूसीसी के मामले में गोवा को शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ एन इंडियन स्टेट कहा था। यूसीसी के फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। कहा जा रहा है कि अलग अलग मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू करने के लिए कहा है। मसलन 1985 का शाहबानो केस, 1995 का सरला मुदगल जजमेंट और 2019 के पाओलो कोटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटिना परेरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर बल दिया है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में उल्लिखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के मैटर्स फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं कराए जा सकते और न ही उनके लिए किसी कोर्ट में जाया जा सकता है, फिर भी ये मैटर्स स्टेट पॉलिसी और गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। कुछ लोग इसे रिलीजियस फ्रीडम को कम करने वाला मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सरकारों को इस बात की इजाज़त देता है कि वे किसी की रिलीजियस वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने वाले कानून बनाएं, अगर ये वैल्यूज़ सोशल रिफॉर्म लाने वाली हों। यूसीसी न होने के चलते मुस्लिम महिलाएं गुजारा भत्ता, पॉलीगैमी और परिवार में दोयम दर्जे के व्यवहार से पीड़ित रहती हैं। अलग अलग कानून समाज में समस्या पैदा करते हैं। कई बार पुरुष दो शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लेते हैं और पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर लेते हैं। लेकिन यूसीसी के विरोध में भी कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी के लिए कई मौकों पर कहा है, लेकिन इसके साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एसआर बोम्मई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के फेमस केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिलीजन को स्टेट पावर के साथ मिक्स करने को लेकर चेतावनी भी दी थी। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के मुताबिक संविधान निर्माता भी टोटल यूनिफॉर्मिटी के पक्ष में नहीं थे। यही वजह है कि पर्सनल लॉज को कंकरेंट लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा गया है, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज दोनों को इस पर कानून बनाने की पावर्स दी गई हैं। फिर भारत में यूसीसी के लिहाज से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है। यदि इसे लागू किया जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का क्या होगा? फिर कुछ क्रिमिनल केसेस में भी लगभग पूरी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। स्टेट्स भी आईपीसी और सीआरपीसी में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट कर चुके हैं। इसीलिए यदि क्रिमिनल केसेस में प्लूरेलिटी आ चुकी है तो फिर पर्सनल केसेज में क्यों वन नेशन वन लॉ लागू किया जा रहा है? भारत में रह रहे अलग अलग कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज में डाइवर्सिटी है। हिंदू कोड बिल के बाद भी सभी हिंदू एक जैसे कानून से गवर्न नहीं होते हैं। रिलीजन से परे जाकर तमाम ट्राइब्स भी अपने अपने कस्टम्स यानी रीति रिवाजों के अनुसार चलते हैं। एक तरफ गोवा में यूसीसी है तो भी वहाँ कैथोलिक्स को अपनी शादी रजिस्टर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई पादरी चर्च में हुई किसी शादी को डिसॉल्व कर सकता है। 2018 में लॉ कमीशन ने फैमिली लॉ पर एक कंसल्टेशन पेपर दिया था, जिसमें साफ लिखा था कि यूसीसी इज़ नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज।
यानी फिलहाल यूसीसी न तो जरूरी है और न ही अपेक्षित है। इसके साथ ही तमाम लोगों का मानना है कि वे इसके विरोध में नहीं हैं, लेकिन ये धीरे धीरे और सबकी सहमति से होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में सबसे अहम रोल प्ले करने वाले डॉक्टर आम्बेडकर का इस मसले पर क्या कहना था, ये भी जान लेते हैं। देखा जाए तो डॉक्टर आम्बेडकर का रुख भी इस मसले पर एम्बिवेलेंट यानी दुविधापूर्ण था। एक तरफ वे इसकी ज़रूरत महसूस करते थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर शुरुआती स्तर पर यूसीसी को प्योरली वॉलंटरी रखने के पक्षधर थे। डॉक्टर आम्बेडकर के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल स्टेट्स को महज इस दिशा में चलने के लिए कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी पर इसे थोप दिया जाए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।